अभी हम वैशाली जिला के तिसियौता थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गांव के नज़दीक आए हैं, जहां एक लड़की का शव बीते रात बरामद किया गया था और यही वो घटना स्थल है जहां से शव को बरामद किया गया था। यहां अभी नेताजी आए हैं, पूर्व विधायक शिवचंदर राम जी, जो इस घटना का जायज़ा ले रहे हैं। विधायक जी उधर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बढ़ते हुए बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उसके लिए उनका क्या कहना है और किस तरह से इस अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। और अभी तक अपराधी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। दिखाइएगा कैमरामैन थोड़ा, यही वो घटना स्थल है जहां से लड़की का शव बरामद किया गया था। यहां से लगभग कुछ ही दूर के नज़दीक में वो जो लड़की का शव बरामद किया गया था उसका घर नज़दीक में ही है, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है, यहीं पे उसका शव जो है से बरामद किया गया था। अभी शिवचंदर राम जी आ चुके हैं, जो पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बढ़ते हुए बिहार में जो है से दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रही है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जो अभी घटनाएं अभी घटी है, जी, महादलित बच्ची के साथ जो घटना घटी है, जी, इसके लिए मैं दुखी हूँ और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी काफ़ी दुखी है। जी, जिस तरीका से बच्ची को अपहरण करके और ले जाना और बार बार जब परिजन को कहना कि भाई हमारे बच्ची को वापस कर दो, तो आज बिहान कल करते करते और उस बच्ची को वापस नहीं करना और बजाबते उनके साथ गैंग रेप करना और गैंग रेप करके और बच्ची को जो है कि मार देना, हमको नहीं लगता है कि बिहार में जिस तरीका की अभी जो आपके यहाँ जो घटना तिसियौता थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है वैशाली जिला में, एक काफ़ी भयानक है और काफ़ी स्थिति मान लेते बस से बदतर स्थिति बन गई है। ऐसे में हालात बिल्कुल इस तरीका का भयानक बन चुका है कि लगता है कि बिहार के प्रशासन कहाँ पर है, बिहार का शासन कहाँ है, नीतीश कुमार का सुशासन कहाँ है। नीतीश कुमार का सुशासन जिंदा नहीं, नीतीश कुमार जी का सुशासन मर गया है। ऐसे परिस्थिति में आज के डेट में ये महादलित की बच्ची को किस तरीका से तरपा तरपा कर उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनको बजाबते मार दी गई और अभी तक नेम्ड FIR करने के बावजूद भी अभी तक के उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो काफ़ी दुखद मामला है। तो ऐसे अभी हम आए हैं, अभी उनके परिवार के लोगों से भी मिले भी नहीं है। अभी मैं घटनास्थल पर आया हूँ, जहाँ बच्ची का लाश मिला है, वहाँ से घटनास्थल से फिर जाकर मैं उनके परिजन से मिलूँगा और मिलने के बाद पुनः फिर जो है कि दोबारा मैं आपको बताऊँगा कि पूरी घटनाएँ क्या क्या है और कैसे कैसे के घटनाएँ हैं। और ये जब तक जो जिसने घटना का अंजाम दिया है, जब तक ये उसको अरेस्ट नहीं कर लेते, तब तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हम लोग निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और जब तक उसको गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सर, 24 घंटा का मोहलत दिया गया था पुलिस अधिकारी के द्वारा, लेकिन कल भी स्थानीय लोग का मांग था कि सर, जब तक ये लड़की का जो अपराधी की है उसका गिरफ्तारी नहीं होगा, तब तक जो है से सब का पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया जाएगा। तो फिर भी जो है से ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नहीं, वो तो ठीक है, 24 घंटा हुआ है, अभी हम जाएंगे, यहाँ प्रशासन भी आया है, प्रशासन से भी बात करेंगे और प्रशासन से बात करने के बाद उनके तरफ से तो ठीक है, आश्वासन दिया गया, पोस्टमार्टम भी हो गई, दाह संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन ऐसे स्थिति में हम वहाँ पर जाकर पूरी इसकी छानबीन अभी कर रहे हैं, अभी आए हैं, तुरंत आने के बाद पुनः फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, मंत्री साहब, मैं एक उसके बाद कॉल हो गया, फोन आया कि चेंज करेगा,
हम सारे व्यक्ति को गोली मार दिए। कौन है वो? राजकुमार है, दिल्ली से। अच्छा, तो हम बोले कि हमको लड़की लौटा दीजिए, तो बोला कि ठीक है, तीन दिन के लिए दू लेता हम आपको लड़की। अरे को सर ये फोन लेना, देखे कि लड़की को पहुँचा दे। तो आप इसके इसके पहले जो है कि कोई समाज वगैरह को या किसी व्यक्ति को सूचना नहीं किए आप? सर धमकी देने के बाद डर गए? धमकी देने के बाद तो सभी आदमी डर गए कि हमको भी मार देगा, इसी करेगा। तो हम लोग गरीब, हम क्या करें? अर्जुन भाई तू अपन बात कर ना। क्या तरीके का घटना है? 20 तारीख के किडनैपिंग, 20 तारीख को किडनैपिंग, और तीन दिन बाद जब इन लोग खोजना शुरू किए, वो अपराधी जो था वो बोला कि जे हम तीन दिन के अंदर आपके बच्ची को घर पहुंचा देंगे, यही बोला ना? यही बोला। और उसके बाद तीन दिन के बाद जब बच्ची मिली तो मृत अवस्था में एक पोखर में फेंका गया था। और उसको हम लोगों का आशंका है, इन लोग परिवार के आशंका है कि उनकी बलात्कार की गई। नहीं नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं करेंगे, मतलब हमारा करने का मतलब सूचना जो है कि इनके, जब सूचना दी गई प्रशासन को तो 11 बजे प्रशासन को सूचना दी गई, शाम में हमारा FIR रजिस्टर हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और अपराधी को भागने का बिल्कुल मौका मिल गया वहाँ से, और अपराधी वहाँ से भाग निकला। और वहाँ से हमारी काफ़ी बातचीत हुई यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी आप लोग को दिखा सकते हैं। और काफ़ी बातचीत हुई थी, और उन लोगों ने काफ़ी मामला को इधर उधर करना चाहा, लेकिन हम लोग डट कर रहे। उसके बाद यहाँ से 10 बजे यहाँ से बॉडी को ले करके और सदर अस्पताल में ले जाया गया, और वहाँ से क्या किया गया, उसको पोस्टमार्टम किया गया। और इन लोग परिवार के, इनकी भाई की इच्छा थी कि हम इधर ही दाह संस्कार कर दे बच्ची की, तो दाह संस्कार कर दिया गया। और वहाँ से जब आया गया तो यहाँ से अभी इनके भाई को, जिस गुड़िया की दर्दनाक मौत हुई है, उसको भाई को आश्वासन सिर्फ दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे, 24 से 48 घंटे का। भाई कहाँ भाई हो? बोला वो दुराज, एक शायद लिखित पेपर पर भी दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे, नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी होगी तो उसकी कुर्की जब्ती की जाएगी। मान के चलिए, कहाँ है उनका भाई, कहाँ है? अरे क्या क्या सब हुआ? हुआ यही कि सोमवार को 6 बजे करीब में बाहर उस टाइम से गायब हो गए, शाम में फिर हम लोग शौचालय मिलवे नहीं क्या? भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि गरीब को शौचालय नहीं मिलता है, जितना हम रहा है उसको मिल जाएगा, पैसवा खतवा में आ जाएगा, 2000 रुपया उसको मिल जाएगा और 10,000 रुपया उसको मिल जाएगा, लेकिन गरीब नहीं मिला, तभी तो बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो का दिन हुआ, फिर उसके बाद वो नहीं मिली, फिर हम लोग खोजने लगे, एक दिन बीत गया तो खोजने लगे, फिर दूसरे दिन कॉल आता है लड़के का, तो बोला जाता है उससे बोला जाता है कि अगर आप FIR दर्ज करते हैं तो पूरे मतलब शाहपुर के लोग को मारा जाएगा, गोली से उड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर हम लोग डर गए, हमको लगा जो उसी के पास है, फिर वो बोला, खुद लड़का बोला कि मैं दो या तीन दिन के अंदर में लड़की को आपके पास हवाले कर दूंगा। फिर तीसरा दिन चौथा दिन बीतने के बाद वो पानी में लाश मिला। वो कौन लोग हैं? उनका नाम है अनुराग। जब हम कॉल लगाए तो उनका रिंगटोन अनुराग से बज रहा था, तो उनका नाम अनुराग है और उनके पिताजी का नाम राकेश चौधरी, बिंदी चौक पे घर है उनका। नंबर से कुछ पता चला, BJP विधायक लखिंदर पासवान के घर के बगल में ही है उनका घर। सर नाम जद अपराधी हैं, फिर भी अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जो टीम आई है वो राष्ट्रीय जनता दल की टीम आई है, उस राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को भेजा है, हमको पहचान है ना? हाँ, बिल्कुल पहचान है। हाँ, तो
कहने का अर्थ है कि हम आए इस घटना को सुने हैं जी, और पूरी राष्ट्रीय जनता दल की टीम एक आई है जी, जिला अध्यक्ष अविनाश चंद्रवंशी जी भी हैं, राजेश ठाकुर जी भी हैं, मकबूल जी हैं, सभी लोग आकर के मिले हैं। लेकिन घटना को लेकर के हमको एक एक घटना से हम अवगत हैं। कल से जब से एक लाश मिला है उस समय से हम अवगत हैं, लगातार मोबाइल पर सब लोगों से मेरी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी तक के उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक के जो है कि वो सारे लोग, कहने का मतलब ये कि जो है अथी कर रहे हैं। मैं रुक जाइए, ऐसे 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 परिस्थिति में जो है कि मान लेते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और लड़ कर कर करके, और अगर पुलिस प्रशासन ने अगर गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, और मृत जो जो बची मरी हैं इनके लिए हम लोग 20 लाख रुपया मुआवजा कम से सरकार दे, इसकी भी हम लोग मांग करेंगे, और लड़ाई हमारी जनता एक सरकारी नौकरी की भी मांग की साथ ही साथ एक उसके परिजन का कैसे समय चले, कैसे क्या हो, ये सरकार एक वो सरकारी नौकरी भी दे, ये सब लेकर के डिमांड है। लेकिन पहला मेरा डिमांड है कि पहले जिन लोगों को नेम्ड FIR किया गया है उनको उसकी अरेस्टिंग हो और गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार कर कर करके, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, इसके लिए हम लोग हैं। और हम लोग आपके ये जिस तरह की घटना घटी है इसको हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरीका का, माने बिहार की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, और आज बेटी पढ़ेगी कहाँ, बेटी के साथ गैंग रेप किया जा रहा है, और दिना दिनिस उसे जो है कि फेंक दिया जा रहा है मार कर कर करके। तो ऐसे में आज के समय में काफ़ी भयानक स्थिति बन गई है, काफ़ी शोचनीय स्थिति बन गई है कि महादलित के बच्चे को और बच्चियां को किस तरीका से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे ताकत के साथ हम आपके साथ खड़े हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीका का जैसा मामला आएगा हम राष्ट्रीय जनता दल या जो भी समाजवादी विचार के जो लोग हैं सभी मिलकर करके हम उससे मुकाबला करेंगे। आप अकेला नहीं हैं, हम पूरा राजद परिवार हम आपके दुख में हम आपके साथ हैं, पूरी तत्परता और पूरी धैर्य के साथ हम आपके मदद। सर एक बात, आपके सदन में 75 विधायक, क्या 75 विधायक इस बात को लेकर के सदन में आवाज़ उठाया जाएगी? एकदम निश्चित रूप से, और हमने आपको बताया नहीं और एक कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिल्कुल हम लोग को भेजा है जी जी, और यहाँ पर और हमारा तो ये परिवार के लोग हैं जी जी, हमारे संबंधी हैं हम लोग जी, ये हैं, और मैं अपने परिवार के लोगों के पास आया हूँ, अपने संबंधी के पास आया हूँ, और इसको हम लोग बड़ी करीब से इसको हम लोग देख रहे हैं, और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, और सदन में भी आवाज़ गुजरेगी, सड़क पर भी आवाज़ गुजरेगी, और चौक और चौराहे पर भी आवाज़ गुजरेगी, और हम लोग प्रशासन को नाको दम कर देंगे इसकी गिरफ्तारी। सर जिस प्रकार की इनको धमकियां मिला है पहले तो उनकी सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि कभी भी वो अपराधी हैं कुछ भी कर सकते हैं सर, हाँ तो क्योंकि जब लोगों का यहाँ पर जमावड़ा बढ़ रहा है, मीडिया आ रहे हैं, और इन लोगों को और कभी भी लाइसेंस तक भी दिया जाए ताकि इन लोगों की खुद की सेफ्टी के लिए। प्रशासन से भी हमारी मांग है कि भाई इनको पहले तो सुरक्षा दिया जाए, कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है, और आज शाम से भी हम लोग प्रयास करेंगे, अभी तुरंत अभी दूरभाष पर हम SP साहब से बात करेंगे, हम थाना अध्यक्ष से भी बात करेंगे, और इनकी भी एक सुरक्षा की व्यवस्था कराने का काम करेंगे, और सुरक्षा की व्यवस्था हो, इनका जान माल का जो है कि वो देखभाल करे, और जो मुआवजा हम मांग करते हैं उस मुआवजा को भी अविलंब इनको करे, और सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है कि उनकी गिरफ्तारी हो जिसको नेम्ड FIR किया गया है। सर आपकी मांग अगर नहीं पूरी की जाती है तो कितने दिन के अंदर आप लोग आंदोलन शुरू करेंगे? अरे आंदोलन, ये आंदोलन शुरू हो गया, अब आंदोलन ये आज से आंदोलन शुरू है। 24 घंटे के अंदर आपकी मांग को नहीं पूरा, इसके परिवार को 20 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो आप लोग आंदोलन में साथ देंगे इन लोग? नहीं नहीं नहीं, हम लोग आंदोलन में लगे हैं, ये आंदोलन के करी है जी जी, अगर गिरफ्तार कर लिए अगर होते जी, और इस तरीका का तो आज हम लोग को नौबत नहीं आता कि जहाँ पर लाश मिला है जी, उस जगह पर भी हमको जाना हो जी, जी, जाना पड़ा जी, हम इनके परिजन से मिलने आए हैं, इनके घर पर आए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं जी, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले लोग हैं, जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पूर्व विधायक, स्थल पे ही पहुंचे थे ये पूर्व विधायक रह चुके हैं राजा पकड़ से, बहुत बहुत धन्यवाद।